विपक्ष भी बता रहा है चुनावी हथियार। तो बदलना नहीं चाहिए, पर इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत मेहरबान। तो जनसंख्या नीति, हिंदू मुसलमान, यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया है और कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो विरोधियों ने इसे चुनावी स्टंट बताना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले तो यहां साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं, परिचय आपका खास मेहमानों से कराएं, जरा यहां पर आपको बता देते हैं कि पूरी तस्वीर में सरकार क्यों घिरी हुई लग रही है। तो ये सबसे पहले सामने देखिए, जेडीयू बीजेपी में आर पार हो गया है इसी जनसंख्या नीति पर, जनसंख्या कानून पर ठन गई है। तो क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार कहते हैं महिलाओं में जागरूकता आपको बहलानी होगी। रेणु देवी उन्हीं की डेप्यूटी सीएम है, बीजेपी के कोटे से हैं, वो कह रही हैं पुरुषों को जागरूक करना जरूरी है। इधर बीएचपी से भी मामला उलझ गया है। आपको बताया नीतीश कुमार ने कहा है महिलाएं पढ़ी लिखी हो तो प्रजनन दर घटेगा, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। उधर रेणु देवी कह रही है कि पुरुषों में नसबंदी को लागू करना होगा, वो अपने तरीके से, बीजेपी का पक्ष एक और ये बिहार सरकार के अंदर घमासान छिड़ गया है, महिला शिक्षा हो तो पढ़ावा मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। पुरुषों महिलाओं में भेदभाव खत्म हो, इसी मुद्दे के आधार पर यानी नीतीश कुमार को ही काउंटर करती हुई दिख रही है रेणु देवी, जो कि उनकी डेप्यूटी है बीजेपी के कोटे से बिहार में। तो बिहार में तो इस पर घमासान छिड़ गया है। जनसंख्या की बात करते ही ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। विरोधियों की बात छोड़िए, जनसंख्या नीति पर एनडीए के भीतर ठन गई है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर परिचय खास मेहमानों से करेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। चुनावों से कुछ महीने पहले आबादी कंट्रोल कानून को लेकर यूपी से लेकर बिहार तक सियासत सुलग गई है। योगी सरकार के नए जनसंख्या नीति पर चौतरफा सियासी हमले हो रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, खुद एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने सवाल उठा दिए हैं, यानी आबादी कंट्रोल पर सियासत आउट ऑफ कंट्रोल है। पहली टक्कर देखिए सहयोगियों की। इतना तो बीजेपी समझ गई होगी कि बढ़े चुनावी तापमान में जनसंख्या नीति की सियासी राह आसान नहीं। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वह प्रदेश के हित में लिया है और देश भी इस रास्ते पे चले जिससे जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से कुछ करके दिखाया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तीर आने थे विपक्ष के, धनुष तान दिया एनडीए के साथी ने। बवाल लेकिन बढ़ता जा रहा है। कानून का ड्राफ्ट आ जाने के बाद अब एक तरफ खुलकर आबादी कंट्रोल करने की हिमायत हो रही है और दूसरा तबका इसके खिलाफ योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है। बदलना नहीं चाहिए, अब इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसके पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या का दबाव जब हम फोर लेन की सड़कें पास होती है, जब वो बनता है 4-6 साल लग जाता है, 8 लेन की आबादी उस पर चढ़ जाती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नई जनसंख्या नीति में क्या प्रावधान है जिन पर बवाल हो रहा है। नई नीति आने के बाद हम दो हमारे दो की नीति के खिलाफ जाने वालों को सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। राशन कार्ड भी सिर्फ 4 लोगों के ही नाम पर मिलेगा। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को स्थानीय चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। 2 से ज्यादा बच्चे हो तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। वहीं जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें कई फायदे मिलेंगे। नई नीति का पालन करने वालों को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। सस्ते दाम पर घर और जमीन खरीद सकते हैं। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है
तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी, उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा। अब आपको पक्ष और विपक्ष की दलीलें बताते हैं। विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेर रही हैं। ये कानून चुनावी वक्त में आखिर क्यों लाया गया, ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, आरोप लगा रही है। कानून से नहीं बात जागरूकता से बनेगी, ये समझा रही है। ये सब जानते हैं कि जो भी राज्य मानव सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज्यादा है, बेहतर कर रहे हैं, उनके यहाँ फर्टिलिटी रेट वैसे ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन अगर आप देखें, कंपेयर करें बीते वर्षों में, तो उसमें कमी दिख रही है। लेकिन हाँ, इनके लिए पॉपुलेशन जैसा विषय भी डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स है। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनता पर, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में ना। हालांकि इन दलीलों के खिलाफ बीजेपी के तर्कश में कई तीर हैं। बीजेपी का कहना है कि विकास के लिए ये नीति जरूरी है, संसाधनों और आबादी में संतुलन जरूरी है। पूरा देश इस तरह का कानून चाहता है, किसी सरकार ने ऐसी हिम्मत पहले नहीं दिखाई है। हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े, इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। और मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं, तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है, फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा, और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे। योगी सरकार विकास की दलील दे रही है, लेकिन अभी से मुद्दे के धार्मिक एतराज सामने आने लगे हैं। दलील दी जा रही है कि वर्ग विशेष को टारगेट करना ही मकसद है। वहीं अयोध्या के महंत राजू दास इसे पूरे देश के लिए जरूरी बता रहे हैं। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दो बच्चों की नीति का स्वागत तो किया है, लेकिन एक पेच के साथ। एक ही बच्चे के माता पिता को ज्यादा सुविधाएं देने वाली नीति को वो उचित नहीं मानते। जिसका एक ही बच्चा होगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे, वो हमको स्वीकार नहीं। एक बच्चे के नॉर्म को प्रोत्साहित किया तो जनसंख्या स्थिर नहीं होगी, जनसंख्या कम होती जाएगी। तो सरकार को एक बच्चे वाला नॉर्म नहीं लाना चाहिए। अब आबादी नियंत्रण पर आर पार की जंग छिड़ गई है। योगी सरकार आगे तो बढ़ी है, लेकिन साथी ही साथ नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको बता देते हैं जो बड़ी बड़ी बातें हैं जिसको लेकर अब ये बहस छिड़ गई है।